टी20 वर्ल्ड कप 2022 27th of October को मैच खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। पहले मैं आपको बताता हूँ मैच में क्या हुआ। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था कैप्टन टेम्बा बबुमा, इनके फॉर्म का इंतजार तो दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। आज फिर से सस्ते में आउट होकर पेविलियन लौट गए। उसके बाद आए राइली रसू, क्विंटन डिकॉक और राइली रसू के बीच हुई एक बेहतरीन पार्टनरशिप 163 रन की। क्विंटन डिकॉक ने बनाए 63 रन और राइली रसू इनकी तो जितनी तारीफ करें उतना कम, 109 runs of just 56 balls. इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी रही उनके नाम। साउथ अफ्रीका बना पाया 205 with the loss of 5 wickets. अब बांग्लादेश के सामने टारगेट बड़ा था तो लगा कि बांग्लादेश कम से कम टक्कर तो देगा साउथ अफ्रीका को, पर आनरिक नौकिया उनकी आग उगलती गेंदों के सामने बांग्लादेश के बैटर्स बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए। साउथ अफ्रीका ने मैच जीता 104 रन से। अब मैं आपको बताता हूँ मैच पे हुआ क्या। 11th ओवर की लास्ट बॉल थी और बॉलिंग कर रहे थे शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के कैप्टन। विकेट कीपर नूरुल हसन डिलीवरी होने से पहले ही वो पीछे मूव करने लग गए, तो जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे उनके बीच में एक लंबा डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए, मतलब ये तो एक्सेप्टेबल है ही। तो लंबे डिस्कशन के बाद ये निकल कर आया कि 5 रन की पेनल्टी लगेगी बांग्लादेश पर, तो 5 रन जुड़े साउथ अफ्रीका के खाते में। गाइस आपको पता है जो साउथ अफ्रीका का पहला मैच था टी20 वर्ल्ड कप का वर्सेस जिम्बाब्वे, उस मैच में 5 रन की पेनल्टी लगी थी साउथ अफ्रीका पर। हुआ क्या था, जिम्बाब्वे के प्लेयर मिल्टन शिब्बा एच लगा, बॉल गई फाइनल लेग फील्डर की तरफ लुंगी एनगिडी की तरफ, उन्होंने थ्रो किया क्विंटन डिकॉक को। क्विंटन डिकॉक ने अपना एक ग्लव उतार कर ग्राउंड पर रख दिया ताकि अगर रनआउट का चांस बने तो वो इजिली थ्रो कर सके, पर बॉल टच कर गई ग्लव्स पर और 5 रन की पेनल्टी लगी साउथ अफ्रीका पर। तो इस पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने 5 रन गवाए थे और दूसरे मैच में 5 रन कमाए। तो गाइस आज का मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रनों से हराया, पर जो इनिंग्स थी वो थी राइली रसू की, वो रहे आज के स्टार परफॉर्मर। उनकी इनिंग्स के बारे में आपकी क्या राय है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। और आपको अपडेट्स का एक और जरिया बताऊं, टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करो, फिर देखो वहां पर बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।